अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं। आप लोगों की तरफ से बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें से मैं कुछ यूनिक सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें, हो सकता है कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में एक भाई ने पूछा है, भाई साहब कंपनी की तरफ से जो ATM वीज़ा कार्ड मिला हुआ है, क्या ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं? ऑनलाइन बिजनेस से आप क्या मुराद लेते हैं, ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और आपने भी इसकी वजाहत यहाँ पर नहीं की है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, वो ये कि आप लोगों को जो ATM कार्ड मिलता है कंपनी की तरफ से सैलरी के लिए, तो इसमें बहुत सारा लिमिटेशन होता है, इसलिए आप जो है बहुत सारा काम नहीं कर सकते हैं। आप इससे सैलरी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरा काम करना चाहेंगे, जैसे जो और भी दूसरा कुछ ऑनलाइन परचेज करना, तो ये सारा इस कार्ड से पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप इस कार्ड से ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आज के अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, छुट्टी में जाने के बाद भी ID ब्लॉक कर सकती है कंपनी वाले? अगर आप नॉर्मल छुट्टी में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपकी कंपनी आपका ID ब्लॉक भी नहीं कर सकती है और कैंसिल भी नहीं कर सकती और भी दूसरा कुछ नहीं कर सकती है। अगर आप कुछ कांड करके जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके जा रहे हैं, तो आपकी कंपनी उस बेस पर आपको ब्लॉक भी कर सकती है। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, मैं कतर में अपनी कंपनी छोड़कर दूसरी जगह काम कर रहा हूँ, मतलब अपनी कंपनी से भागकर, क्या मैं अपना वीज़ा लगा सकता हूँ कंपनी को बिना बताए? ये पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपने अपनी कंपनी को छोड़ा होगा तो ज़्यादा चांस है कि आपकी कंपनी ने हफ्ता, 10 दिन या महीना के अंदर अंदर आपका ब्लॉक ग्रुप लगा दिया होगा। अगर ब्लॉक ग्रुप न भी लगाया होगा तो आप अपना ID खुद से रिन्यू नहीं कर सकते हैं। आपको ID रिन्यू करने के लिए अपनी कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ID कार्ड रिन्यू करने का काम आपकी कंपनी का है, ये आपका काम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, वो ये कि 30 अप्रैल तक MOI की तरफ से ऑफ़र लगा हुआ है, जहाँ पर आप जैसे बता रहे हैं कि आप कतर में भी इलीगल हैं, तो अपने आप को लीगल बनवाने के लिए आप जवाजात में जाकर के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, या किसी कंपनी दूसरी कंपनी में जाकर के ट्रांसफ़र भी करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस मौका से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, उसने अपना यूज़र नेम माउंट एवरेस्ट लिखा है, पूछा है, भाई मैं CID के ज़रिए आया हूँ, वर्क परमिट न होने की वजह से कोर्ट ने मुझे भेज दिया, अभी मेरा ID कैंसिल है, मेरा वीज़ा अंडर प्रोसेस हो गया है, क्या मैं कतर आ सकता हूँ? कोई कहता है कि एयरपोर्ट से मुझे वापस भेज दिया जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है? आपने जैसा कि बताया है कि आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो आपका मेडिकल और फिंगर होने के बाद में अगर आपका वीज़ा प्रिंट हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कतर जा सकते हैं, आपको वहां पर ID भी लग सकता है। अगर कुछ गड़बड़ है और CID ने आपको भेजते वक्त कुछ अगर बड़ा केस बना दिया है, तो आपका वीज़ा इशू नहीं होगा। आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि आपका वीज़ा इशू नहीं होगा, बल्कि आपको हमेशा अंडर आउटसाइड प्रोसेस ही शो करेगा, वीज़ा प्रिंट नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा इशू नहीं होगा, इसके लिए आपको कम से कम 4 साल वेट करना पड़ेगा, 4 साल के बाद आपका दोबारा वीज़ा इशू हो सकता है। लेकिन अगर अभी आपका वीज़ा इशू हो गया तो आपको दिक्कत की बात नहीं है, आप जा सकते हैं कतर। जहाँ तक एयरपोर्ट से भेजने की बात है तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी कतर में CID एयरपोर्ट और कतर वीज़ा सेंटर है, ये सारा का लिंक जो एक साथ में होता है, ये सारा प्लेटफार्म एक दूसरे को डाटा शेयरिंग करते हैं, तो इस वजह से अगर कुछ आपका गड़बड़ होगा तो आपका वीज़ा नहीं इशू होगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कंपनी के साथ मेरा 2 साल का एग्रीमेंट बना है, 1 साल के बाद क्या मैं कैंसिल जा सकता हूँ? अगर कंपनी नहीं भेज रही हो तो क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताएँ। देखिए, जिस तरह कतर गवर्नमेंट ने कंपनी वाले को वर्कर को टर्मिनेट करने के लिए ऑप्शन दिया है, इसी तरह वर्कर को भी ऑप्शन दिया है कि आप रिज़ाइन दे करके घर जा सकते हैं। अगर कंपनी वाला आपको भेजने के लिए तैयार नहीं है तो आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में, किसी भी सर्विस सेंटर में जा करके ऑनलाइन रिज़ाइन लेटर दीजिए। जो पेपर आप दूसरी कंपनी में चेंज करने के लिए ऑनलाइन पेपर बनवाते हैं, तो उसी पेपर में एक दूसरा ऑप्शन होता है ऑनलाइन रिज़ाइन लेटर देने का, तो आप उसी ऑप्शन को यूज़ करते हुए ऑनलाइन रिज़ाइन दीजिए। उसके बाद में जो भी आपको मोबाइल में मैसेज आएगा उसी हिसाब से आप कीजिए, इस तरह आप घर जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है कतर गवर्नमेंट की तरफ से सिस्टम है ऑनलाइन रिज़ाइन देने का।
अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कतर आईडी में सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर न हो तो क्या करें। ये कोई बड़ा काम नहीं है बल्कि बहुत ही छोटा काम है। आप किसी भी टाइपिंग सेंटर में जाकर के इसके बारे में पेपर बनवा सकते हैं। आपका मंदूब जवाजात में जाकर इस काम को कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस पेपर में आपका नाम रहेगा, आईडी नंबर रहेगा और कमा का एक्सपायरी डेट रहेगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर करने का ऑप्शन रहेगा। इस तरह करके आप बनवा सकते हैं, बहुत ही मामूली काम है। ये एक घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर भी ये काम हो सकता है। इसके लिए आपको कंपनी की तरफ से सिग्नेचर या स्टाम्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, असलम भाई मेरा आईडी दिसंबर तक है और मुझे 6 महीना हो गया है, क्या मैं कतर वापस आ सकता हूँ। जी वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपने जैसे बताया है कि 6 महीना आपको हो गया है, तो आपको आने के लिए कंपनी की तरफ से एंट्री परमिट चाहिए। 6 महीना जैसे ही गुजरता है तो 6 महीना गुजरने के बाद में वर्कर को आने के लिए एंट्री परमिट इशू करना पड़ता है, जिसका चार्ज 500 रियाल आएगा। तो आप कंपनी वाले से बात करके एंट्री परमिट इशू करवाइए, उसके बाद आप जा सकते हैं। आपको जाने के टाइम में अपने साथ में एंट्री परमिट का पेपर रखना होगा। आज के लास्ट सवाल में किसी भाई ने पूछा है, बलाग हुरूब क्या होता है। बलाग हुरूब ये अरबी का वर्ड है, जिसका माना होता है कि जैसे आप कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं, तो कंपनी छोड़कर भागने के बाद में जो आपकी कंपनी सीआईडी को या जवाजात में कहीं भी जाकर कुछ रिपोर्ट करे कि फला वर्कर जो है कंपनी छोड़कर के भाग गया है, तो इस रिपोर्ट करने को बलाग हुरूब बोलते हैं। ये अरबिक वर्ड है और इसको इंग्लिश में एब्सकॉन्ड केस बोलते हैं, इसी तरह एस्केप केस भी बोलते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं कि कंपनी छोड़कर भाग गया। तो कंपनी छोड़ करके भागने के बाद जो कंपनी सीआईडी वाले की इन्फॉर्म करती है, तो इसी को बोलते हैं बलाग हुरूब। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।